नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड के चारों ओर बाहर 6 मीटर चौड़ा एक पथ है, पथ का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसने कहा कि एक आयताकार भूखंड है, तो हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया जिसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ एक 6 मीटर चौड़ा पथ है, तो हम इसके चारों ओर एक पथ भी बना लेते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। इतना समझ में आ गया आपको, जो उसने कहा था वह हमने बना लिया कि 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड, तो हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया 10x8 का। उसके बाहर 6 मीटर चौड़ा एक पथ है, तो हमने 6 मीटर चौड़ाई का एक पथ बना लिया। उसने कहा पथ का क्षेत्रफल कितना है, हमें इस पथ का क्षेत्रफल बताना है जो कि हमारा 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इस पथ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम सबसे जो बड़ा वाला हमारा आयत दिख रहा है बाहर की तरफ उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो अंदर वाला आयत दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब अंदर की लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता है, लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8। बाहर वाली देखिए यहां से यहां तक 8 है, लेकिन 6 इधर भी जुड़ेगी और 6 इधर भी जुड़ेगी, तो 12 और जुड़ना है, 8 पहले से है, तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, 20। ठीक है, मीटर में है तो 20 लिख लेंगे। अब लंबाई किसकी बात करते हैं, यहां से यहां तक 10 तो पहले से ही है, और 6 मीटर पथ की इधर से जुड़ेगी और 6 मीटर पथ की इधर से जुड़ेगी, यानी 12 और जुड़ना है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 22 मीटर यहां हो जाएगी। बस इतना सा इसमें गैम है, इसको हम एल वन मान लेते हैं, इसको हम बी वन मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है पथ का क्षेत्रफल। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, पथ का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, बाहरी आयत का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे अंदर के आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहर के आयत की लंबाई चौड़ाई हमने क्या मानी है, एल वन और बी वन, माइनस अंदर के आयत की लंबाई चौड़ाई हमने मानी है एल और बी। ठीक है, अब एल वन, एल वन की वैल्यू है 22 और बी वन की वैल्यू है 20, एल की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 8। हमने सबकी वैल्यू यहां पर रख दी है, जो जो हमारे पास वैल्यू थी वह रख दी है। अब 22 दूनी 44 तो 440 आ गया, और 10 8 80 यहां पर हो गया, यहां माइनस कर देंगे 8 और 6 14 और यहां 360 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यह निकल आया पथ का क्षेत्रफल कितना निकला, 360 वर्ग मीटर। सबसे बड़ी बात थी इसमें हमें इस डायग्राम को समझना और उस डायग्राम की मदद से बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई को निकालना। ठीक है, तो बाहर वाले आयत में से हमने अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो हमारे इस पथ का क्षेत्रफल निकाला है, जो कि आप लाइनिंग में या शेडिंग में देख रहे हैं, उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 360 वर्ग मीटर। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।